नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग विंध्याचल पे। आज इस पर हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जातक का भाग्य कहाँ तक प्रबल है और क्या बता रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मरुबंध की रेखाओं की स्थितियों को देख लें। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, कलाई को अलग करने वाली जो एक कंकन की रेखाएँ हैं, वे काफ़ी जंजीराकार होकर निकली हैं। स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। दूसरी रेखा काफ़ी दूरी से, यानी इसने दो रेखाओं को कवर किया है, आयु और धन की दो टापुओं के साथ आगे की तरफ बढ़ी है। ऐसी परिस्थितियां सामान्य होती हैं। यहाँ की परिस्थितियों से जातक का जीवन आने वाले समय के साथ हमेशा आर्थिक रूप से प्रगति करता हुआ दिख रहा है। अब ऊपर की रेखाओं से इसे हम स्पष्ट करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं ऊपर की रेखाओं पे और शुरुआत करते हैं आपकी जीवन रेखा से। जीवन रेखा की जो स्थिति यहाँ पे है, वो तीन मुखी होकर यहाँ से निकली है। ठीक है, एक अपने उद्गम स्थल से, दूसरी मंगल के तरफ से, मंगल की तरफ से इसे डबल सपोर्ट है, और तीसरी एक है जो कि गुरु पर्वत से होके ये उभर के आई है। जातक का शुरुआती जीवन बहुत ही आनंददायक, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा था। बहुत हंसी खुशी से इनकी पूरी जिंदगी निकली है। जातक की उम्र जब 17-18 वर्ष थी, उस समय मंगल जनित समस्याएं यहाँ से जातक को मिली हैं। इसका जातक के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ा है, और इसके पश्चात जातक ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है और जातक की स्थिति काफ़ी बेहतरीन होती चली गई है। खासकर उसी समय से 18 से लेके अभी जो जातक की एज है, यानी कि जातक की जो भी उन्होंने हमें बताया उनकी एज 37 ईयर्स है, अभी तक की एज में इनके लिए बेहतरीन अवसर है। इनके कुछ क्वेश्चन थे कि पिछले कुछ समय से इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आगे तक के लिए क्या संभावनाएं हैं, आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ हैं, इसका भी आपको हम जवाब देंगे। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन था कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए क्या ऑप्शन है, फॉरेन सेटल हो पाएंगे या नहीं। तीसरा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इन सब के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि आपकी आय की स्थितियाँ यहाँ पे बेहतरीन है, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं दिख रही है जीवन रेखा में। इसके अलावा नीचे की रेखाओं में देखें तो मस्तिष्क रेखा कोई एक रेखा काट रही है या आपकी सोच पे असर डाल रही है। इसी रेखा नीचे चली आई और बुद्धि की रेखा सबसे ज़्यादा जगह लेके आगे बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा बिजनेस में शुरुआत से ही खानदानी रूप से आप संलग्न है, बिजनेस ही करना है, बिजनेस ही देखना है, बिजनेस ही सोना है, यही है। खासकर कपड़े और होटल से संबंधित व्यवसाय आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। आपका बीच का समय, अभी आपका जो समय है वो निश्चित रूप से ख़राब चल रहा है, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है। ठीक है, तो इस कारण आपके जीवन में यहाँ पर संकट आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी नीच अवस्था में जा रही है, तो ये समस्या अभी अगले कुछ दिनों तक आपकी बरकरार रहने वाली है। ठीक है, जो आपने बताया है कोई डेट है एक आपका 2018 के शायद अक्टूबर या सितंबर तक का, उस समय तक की स्थिति में कैसा रहेगा, तो उस समय तक की स्थिति में आपको बहुत आंशिक सुधार देखने को मिलेगा, नहीं तो वैसे ज़्यादा कोई सुधार आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि शुक्र जनित रेखाएँ आपकी जीवन रेखा को काट रही है, यहाँ पर मंगल की स्थिति भी उतनी कोई बेहतर है नहीं, तो आप पे कुछ आरोप लग सकते हैं, आप पर कुछ इलीगल काम के वगैरह। इसके अलावा आप पैसा आपके बहुत ही ज़्यादा अभी जाएगा। ठीक है, तो पिछले 2 साल के अंदर में ये सब कुछ आपने पिछले 2 साल से लेके अगले 7 से 8 महीने तक के अंदर में आपको ये सारी चीज़ें आपको आप पर प्रभाव अपना डालेंगी। ठीक है, तो पैसा भी कहीं नहीं फंसाएं, म्यूचुअल फंड वगैरह, जुआ वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में बिल्कुल ना जाएं, ड्रिंक वगैरह बिल्कुल ना करें, ये सब अभी आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सब स्थितियाँ आपके लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देंगी यहाँ पे। आगे बिजनेस के लिए काफ़ी बेहतर समय है, आप अच्छा कर सकते हैं इसमें।
अभी फिलहाल आपको रुक जाना चाहिए कम से कम मई से जून तक, ठीक है? क्योंकि आपने जो सितंबर या अक्टूबर बोला है वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तक तो फिर ठीक होने लगेगा। लेकिन फिलहाल मार्च अप्रैल मई ये जो आने वाला समय है ना, इस समय तक थोड़ी आपको सावधानी रखनी है, ठीक है? ये ऐसा समय है जिस समय आपको थोड़ा शांत रहना है, चुप रहना है, अंदर ही अंदर योजना बनानी है और उसके अनुसार आपने कार्य करने हैं, ठीक है? कुछ नया कुछ अलग सबको दिखा के ऐसा कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो वहाँ से आपको समस्याएं आ जाएंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको दिख रही है, थोड़ा इस पे कंट्रोल करें, नहीं तो भविष्य में वो समस्या थोड़ी आपकी बढ़ भी सकती है। चंद्र से रेखा के आपके जीवन रेखा को टच कर रही है, चंद्र की रेखा है, निश्चित रूप से पत्नी का सहयोग जातक को जीवन में प्राप्त होना है, लेकिन सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपने देखना पड़ेगा, उसके पश्चात आपको अच्छे तरीके से सबके लाभ दिखाई देंगे। भाग्य रेखा आपकी है नहीं, शुरुआत में बहुत छोटी सी, तत्पश्चात खत्म हो गई, जब आपकी आयु 8 से 10 साल थी उसके बाद से कुछ रेखा यहाँ पे दिख नहीं रही है। फिर जो दोबारा दिख रही है वो दिख रही है कम से कम 43 वर्ष की आयु से, यानी कि अभी आपकी आयु 37-38 वर्ष है, तो 3 2 5 कम से कम 5 वर्ष की आयु के पश्चात वो रेखा फिर से शुरू हो रही है प्रबल स्थिति में। लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस समय तक सफलता ना मिलेगी या कम मिलेगी, ठीक है? उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्ध की रेखा इतनी प्रबल है कि आपको पूर्ण सफलता वो दिलाएगी, है ना? अभी आपकी चंद्र की और मंगल की दशा के कारण ये स्थितियां आपके साथ बन पड़ी है, जो कि आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पूरी तरीके से इसने मंगल रेखा को काट के जीवन रेखा तक आक्रमण किया है। इसका प्रभाव है कि आपको थोड़ा सा मुश्किलों में डाल रही है। इसके अलावा आपके गुरु पर्वत की जो यहाँ की स्थिति, अपने गुरु पर्वत के लिए आप थोड़ा ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो गुरु पर्वत की स्थिति आपकी बेहतर है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी जब आपने संपर्क किया था मैंने आपको बताया था, देखो इतनी मोटी हो गई है ना, हाँ, तो पहले भी आपने संपर्क किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये एक स्पष्ट वर्ग का निशान है, ठीक है? बहुत ही स्पष्ट वर्ग का ये निशान है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, और ये अत्यंत शुभ है, ये अत्यंत शुभ है। इसका व्यक्ति को जीवन में आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। एक तरीके से कहें तो ये मार्गी है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही अभी पुष्ट अवस्था में है, इस कारण ये थोड़ी तकलीफ आपको दे सकता है, लेकिन ज्यादा दिन ये रहेगा नहीं, ठीक है? बहुत जल्द ये वापस आ जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में मैक्सिमम 3 to 4 months ये रहते हैं, उसके बाद फिर वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं। शनि की रेखा बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। भी का जो सिंबल मैंने, मेरा एक वीडियो भी है उसमें मैंने आपको बताया था, वैसी परिस्थिति बहुत ही बेहतरीन, अच्छी स्थिति। ये आपको आर्थिक रूप से कभी भी जमीन पे नहीं आने देगा, हमेशा बना के रखेगा। फिलहाल थोड़ी नीच अवस्था में है तो इसका जाप है, ठीक है? शनि की पूजा है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, वो जाप आप करें आपको तत्काल लाभ होगा इससे, ठीक है? सूर्य की रेखा भटक गई है, बहुत अच्छी बनते बनते भटक गई है, लगे जैसे कि कैरियर एकदम हाथ में था, हाथ से फिसल के नीचे आ गया है, आगे भी भटक रही है, लेकिन ये ज्यादा नहीं भटकेगी, जल्द ही आपको बढ़िया फायदा दिलाने की स्थिति में ये आने वाली है, ठीक है? चलिए इसके अलावा और दूसरी रेखाओं को देख ले। यहाँ पे आपके क्रोध का साइन अच्छा है, मस्तिष्क रेखा के उभार बिल्कुल अच्छे नहीं है, नीचे की तरफ आ रही हैं रेखाएं, तो ये आपके लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। आप बिल्कुल हार ना माने, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की समस्याएं आती है, कोर्ट केस वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, तो टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपने जीत मिलनी है, अपने जीतनी है, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखें, और वो आपको मिलेगी भी, इसमें भी कोई शंका मन में बिल्कुल ना रखें। मैरिज आपकी अच्छी हुई है, अच्छी वाइफ मिली है, ठीक है? सब अच्छा है, दो संतान के भी अच्छे योग हैं, ठीक है? तो ये सब आपके साथ परिस्थितियां जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे मंगल और शुक्र की संधि रेखा के बीच में थोड़ी मुश्किलें हैं, और ये मुश्किलें थोड़ा आपको ज्यादा आगे तक
और थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश में लगी हुई है, ठीक है। तो इससे संबंधित आपको रेमेडी निश्चित रूप से आपको लेनी चाहिए। तो आपको रेमेडी क्या चाहिए उसके बारे में मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। वो रेमेडी स्टोन के रूप में है और इसके अलावा पूजा और मंत्र के रूप में भी है, ठीक है। तो वो दोनों रूपों में आप उसका प्रयोग करिए, आपके लिए अच्छा होगा। निश्चित रूप से जो यहाँ पे स्थिति बन रही है ना, ये अच्छी नहीं है। ये जब भाले की ऐसी स्थिति बन जाए तो ये आपके लिए परेशानी खड़ी करती है, बेवजह बेकार आपके लिए स्थितियाँ दुखर बना देती है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपके सवालों का जवाब दे दूँ मैं, आगे की स्थिति के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 6 से 7 महीने के बाद आपकी स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होगा जो कि आपको दिखेगा, ठीक है। इसके पश्चात आपके विदेश में सेटल होने के कोई योग है कि नहीं, तो माफ़ कीजिए उसके कोई योग नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा आपका 3rd क्वेश्चन था फिनांशियली आपकी पोजीशन आगे कैसी रहेगी। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी। फिनांशियली आप काफ़ी स्ट्रांग होने जा रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। स्थितियाँ बेहतरीन होंगी। आपको कुछ चीज़ों पे रोक लगाने की आवश्यकता है, यानी कुछ चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे कि शनि आपका प्रबल है, ईमानदारी आप में चरम पर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ भी इलीगल अगर आप करते हो तो आपका नहीं हो पाएगा। आप लीगल काम ही करेंगे तो उसमें आप आगे बढ़ेंगे, इलीगल में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। आपके लिए समस्याएं वहाँ पे आ जाएंगी, तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। बुध का झुकाव सूर्य की तरफ अत्यधिक होने के कारण आपके लिए बिजनेस में मुश्किलें उसकी तरफ से भी पैदा हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य की तरफ अत्यधिक झुकाव बढ़ गया है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है। ये फिर वापस आएंगे, स्टोन इन्हें वापस लाएंगे, पूजा इन्हें वापस लाएंगे, किसी भी तरीके से इन्हें वापस लाना पड़ेगा, तभी जाके ये आपके लिए और भी ज़्यादा सुखद परिस्थितियाँ पैदा कर पाने में सक्षम होगा, ठीक है। चलिए आपकी हम बाएं पाँव की स्थितियाँ देख लेते हैं कैसा है। शुक्र का दोस्तों यहाँ पे सीधे सीधे आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो सूर्य की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति बेहतरीन है। प्रारब्ध में तो आपकी अच्छी, फिर भी अच्छी स्थितियाँ मिली हुई थी, इसमें तो भाग्य रेखा भी अच्छी है। कर्म में ही कुछ उलट पुलट था कि परिस्थितियाँ थोड़ी सी विकट है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी मोड़ का साइन मुझे दिख रहा है, बेहतरीन है अगर है दोनों में, क्योंकि फोटो है तो ये मोल तो मुझे दिख रहा है, लेकिन वो मोल है कि नहीं उसको कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो नीचे की तरफ है, ठीक है। उसी तरीके से इस पाम में भी आपके मैंने मोल यहाँ पे कहीं देखा था, अगर है तो ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हाँ यहीं पर देखो, ये अगर मोल आपका अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर मोल होना, राहु के क्षेत्र में मोल होना आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, फिनेंशियली भी और हर एक तरीके से, सोसाइटी में भी हर एक तरीके से आप काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। तो यही थी आपकी फुल केमिस्ट्री स्थितियाँ। निश्चित रूप से थोड़ी अभी असामान्य हैं, लेकिन आप लगे रहें, सामान्य होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हो या कुछ समझ में ना आया हो तो व्हाट्सएप करें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर।